नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, यानी कि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है और यहां पर आप एक पंजाब नेशनल बैंक में एक FD ओपन करने की सोच रहे हैं, यानी कि फिक्स डिपोजिट यहाँ पर खोलने की सोच रहे हैं ऑनलाइन बिना बैंक जाए अपने मोबाइल फोन के द्वारा, तो वो किस प्रकार से ओपन कर सकते हो उसी का यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर आपको वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, सारे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियो देखनी है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, वरना आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपकी FD यहां पर गलत ओपन हो सकती है, तो फिर आप कमेंट करके बोलोगे कि आपने कैसे बताया है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करो शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कंप्लीट देखा करो वीडियो। फिर आप कमेंट करके पूछते हो, आधी वीडियो स्किप कर देते हो कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, इसलिए कंप्लीट देखो। और साथ ही दोस्तों, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले, और चैनल हम पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसका रिप्लाई आपको इंस्टाग्राम पर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर हमें जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, उस पर हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहते हैं। दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में FD ओपन करने की सोच रहे हो तो यहां पर मैं जो FD ओपन करके दिखाऊंगा मोबाइल फोन से, वो यहां पर PNB One एप्लीकेशन के द्वारा मैं ओपन करके दिखाने वाला हूं। इसलिए आपके पास नेट बैंकिंग का होना जरूरी है या फिर PNB बैंक में रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि PNB One एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास नेट बैंकिंग होगी। अगर अभी तक नेट बैंकिंग नहीं की है, ATM कार्ड आपके पास है तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जल्दी से जाकर चैनल पर देख लो, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यहां पर बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर, अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर, वहां पर देखेंगे कि आप पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन FD किस प्रकार से ओपन करा सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर, और यहां पर सबसे पहले हमें PNB One एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में, इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप वहां से जाकर उसकी मदद से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर पहली बार इसे यूज करने की सोच रहे हो। तो दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर मुझे अपना सिक्योरिटी MPIN डालना पड़ेगा, जिससे मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन होता हूं, ठीक है, तो मैं वो पिन यहां पर डाल लेता हूं। तो दोस्तों, मैंने अपना पिन डाल दिया है और इसमें मैं पूरी तरीके से लॉगिन हो गया हूं, इसमें एक्सेस कर लिया इस एप्लीकेशन में मैंने। अब दोस्तों, यहां पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आप देख सकते हो नीचे ओपन FD या RD, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। यहां पर कुछ इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं जो कि हमारे अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर हमें सबसे ऊपर ओपन फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है, उसके नीचे ओपन रिकरिंग डिपॉजिट का यानी RD का। तो हमें फिक्स डिपॉजिट ओपन करनी है इस वीडियो में, तो हम ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराएगा हमसे, तो हमें इस पर एक्सेप्ट कर लेनी है, ऐसे राइट टिक करके नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर सबसे ऊपर हमारे सामने कस्टमर टाइप लिखा जाएगा। तो दोस्तों, हम हैं यहाँ पर जनरल, ठीक है, इधर है PNB स्टाफ, तो हम सबसे पहले जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें जनरल सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है, इस पर इस तरीके से येलो टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे FD टाइप, किस प्रकार की FD आपको चाहिए, नॉर्मल टैक्स सेवर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करना है। अगर आप टैक्स सेवर पर क्लिक कर लोगे तो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इन टैक्स सेवर FD लॉक इन पीरियड इन 5 ईयर, यानी कि आपकी जो FD है वो 5 सालों के लिए लॉक कर दी जाएगी, उससे पहले आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते हो, यानी कि उस पैसे को नहीं निकाल सकते हो। इसलिए ध्यान रहिए, आपको यहाँ पर टैक्स सेवर वाले को क्लिक नहीं करना है, नॉर्मल वाले को क्लिक करके रखना है, ठीक है। मैंने नॉर्मल वाले पर क्लिक कर लिया है। नीचे पार्शियल विड्रॉल, अब पार्शियल विड्रॉल ये होता है कि मान लीजिए आप आधी FD को मतलब निकालना चाहते हो और आधी को उसमें रखना चाहते हो, यानी मतलब जब आपकी FD पूरी हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो वहाँ पर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो या फिर मैच्योरिटी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकालना चाहते हो, तो उसके लिए पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं निकालना है, ना इंटरेस्ट, ना यहाँ पर जो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कुछ नहीं निकालना है, वो सब जब समय पर हो जाएगी FD पूरी, जब ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पर नो पे टिक कर देना है इस तरीके से। नीचे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन में आपको ऑटो रिन्यू चाहिए, ऑटो क्लोज की मतलब खुद से बंद होकर आपके अकाउंट में आ जाए, या फिर आपको ऑटो रिन्यू चाहिए। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर ऑटो रिन्यू चाहिए, अपनी FD मेरी खुद ही पलट जाए, मेरे बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, और साथ ही मुझे उस FD को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप ही जब ही पूरी हो जाए तो अपने आप वो मैच्योर हो जाए, तो खुद से वो ऑटो रिन्यू हो जाए। तो उसके बाद नीचे कितने अमाउंट की आपको FD करनी है, दोस्तों मैं यहां पर एग्जांपल के लिए आपके लिए यहां पर 1000 की FD करके दिखा रहा हूं, ठीक है, 1000 की FD मैंने यहां पर कर दी। उसके बाद नीचे आपको कितने साल के लिए करनी है, तो दोस्तों मैं यहां पर 1 साल के लिए ये FD
कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक साल के लिए एफडी सेलेक्ट कर लिया है। अगर मंथ करने हैं तो मंथ डालना है, आपको डेज चाहिए तो आपको डेज डालना है, ठीक है। जैसे 365 दिन की एफडी चाहिए, 366 दिन की एफडी चाहिए, या फिर आपको 600 दिन की एफडी चाहिए तो आप दिन में डाल सकते हो। अगर मंथ चाहिए, जैसे कि आपको 18 मंथ की एफडी चाहिए तो आप 18 डाल सकते हो। तो मुझे ईयर के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, 1 ईयर यहाँ पर डाल दिया है। नीचे एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन, मैच्योरिटी का टाइम चाहिए, इनकम, यानी कि आपको जब एफडी आपकी पूरी हो जाए समय तब आप उसका इंटरेस्ट चाहिए आपको, या फिर इनकम मतलब कि हर मंथली चाहिए। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर मैच्योरिटी चाहिए, यानी कि जब समय पूरी हो जाए एफडी, जब भी उसका इंटरेस्ट चाहिए। तो मुझे मैच्योरिटी पे क्लिक कर दिया मैंने। नीचे आपको डेबिट अकाउंट, ठीक है, किस अकाउंट से आपके पैसे कटने हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा एक ही अकाउंट है पीएनबी में, इसमें ही पैसे पड़े हुए, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब नीचे एक ऑप्शन आता है रिटेन द नॉमिनेट डिटेल ऑफ सेलेक्टेड ऑपरेटिव अकाउंट, यानी कि आपकी जो नॉमिनेट डिटेल है वो जो आपके अकाउंट में पड़ी हुई है उसे बनाना चाहते हो किसी और को। अगर आप नहीं बनाना चाहते उसको किसी और को बनाना चाहते हो, आपको नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। या फिर आपको नहीं बनाना चाहते एफडी, मतलब उसी को बनाना चाहते हो सेम जो आपके अकाउंट में, तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चेक करने हैं तो व्यू लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू भी दिख रही है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि कितने रुपए पे कितना इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर आपको कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो वो आप देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी, आप उसकी मदद से भी जाकर इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नीचे हमें सारी डिटेल लेने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब प्री कन्फर्मेशन यहाँ पर आ जाता है। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है सारी चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। कस्टमर टाइप, एफडी टाइप, पार्शियल विड्रॉल, मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको आ जाना है, ऊपर आ जाना है, कैंसिल और सबमिट के दो बटन है, यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने टी पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है टी पिन में कन्वर्ट हो गया है, ये आपको नया बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले जो था, अगर पहले यूज़र देख रहे हैं जो PNB1 ऐप यूज़ करते हो, तो वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगता, ठीक है, अब यहाँ पर टी पिन मांगता है, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट हो गया है PNB1 ऐप में। तो मैंने टी पिन बना रखा है, मैं अपना टी पिन डाल देता हूँ। दोस्तों टी पिन डालने के बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चल जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों मेरा OTP यहाँ पर आ गया है, मैं अपना OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना OTP डाल दिया, नीचे बस आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, और यहाँ पर सक्सेसफुल हमारी एक FD ओपन हो गई है। आप देख सकते हो कि मेरी जो है 1000 की FD ओपन हुई है, और 1065 रुपये मुझे यहाँ पर मिलेगा, जो कि इंटरेस्ट लगा है 6.3%। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर रेफरेंस आईडी आपकी है, बैंक में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो इस FD से रिलेटेड, ठीक है। नीचे आपको डाउनलोड पर भी क्लिक कर देना है, आपकी डाउनलोड भी हो जाएगी FD, ठीक है। यहाँ से आपको इस तरीके से जैसे ये प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है तो ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, यहाँ पर सेव एज PDF पर क्लिक करके इसको इसी नाम से आपको सेव कर लेनी है, तो आपकी गैलरी में इस प्रकार से सेव भी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी FD आराम से सेव हो गई है, और इस तरीके से आप अपनी FD ओपन कर सकते हो अपने घर बैठे PNB1 एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने पूरी वीडियो कंप्लीट देख ली होगी, और आपकी FD जो है बड़े आसान तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में ओपन हो गई होगी ऑनलाइन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हेल्पफुल रही है तो यार वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।